में देखेंगे भाई मोती सिंह ज्यादा में देखेंगे। मैं इस चुनाव के अंदर मेरा कोई रोल नहीं था, मैंने चुनाव से नफरत दी थी। 2019 के चुनाव के अंदर भाई परमेंद्र सिंह को टिकट मिला था, मैंने अभी तक सही था, मैंने 8 साल 9 साल जिस संगठन की सेवा की, उस संगठन को जब टिकट की बारी आई तो मैं वहां आया, मैं राजू समाज को टिकट दो, तो संगठन ने पूछा हम आपको राजू समाज को टिकट देने, आपको खड़ा रहना पड़ेगा, मैं वहां जबान लेकर आएगा, तो उस जबान से मैं पीछे नहीं हट सकता था कि मैं राजू तो मेरी जुबान है। ये भाई 2019 में जो भी निर्णय ना उसको भूल जाइए, पिछले जो इतिहास है उसको भूल जाइए, इस वर्तमान समय की बात कीजिए, 2022 की बात कीजिए, वर्तमान चेंज हो चुका है, परिवर्तन हो रहा है, संगठन ने युग मोल लिया है, अपन को टिकट नहीं दे रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले दोनों संगठन अपन को टिकट दिया करते थे, लेकिन स्थिति यह होगी अपन को कोई अपेक्षा टिकट नहीं दे रहा। इस बार भी जोधपुर के अंदर कोई संगठन अपन को टिकट क्यों नहीं दे रहा है, क्या चिंतन करना चाहिए अपन को, क्योंकि 3 बार टिकट दिया 2017 18 19 3 बार अपन के प्रत्याशी चुनाव आ रहे, इसलिए संगठन अपन को टिकट नहीं दिया। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि भाई मनोज सिंह सेत्रा संगठन को छोड़ के आज समाज के साथ खड़ा है और समाज के साथ खड़ा रहेगा। मैंने समाज से बिछुड़ने का दुख मैंने झेला है, 3 साल वनवास मैंने झेला है, मैं आज समाज से भाइयों से नहीं बिछुड़ सकता हूँ। यदि समाज आज उसके साथ खड़ा है, अमित रौशन और सदा रौशन के भाई साहब भाई जिसके साथ खड़े उसके साथ भाई मीर सिंह सत्र खड़ा है। विश्वविद्यालय के अंदर शायद कोई चाहते हैं तो क्या कहते होंगे, भाई मोहन सिंह सोचा की नॉन टीचिंग स्टाफ को जाकर पूछ लेना कि मैं मोहन सिंह का भाई हूँ, मेरा काम कीजिए, यदि आपको मैं वापस पन्ना बोलना नहीं कि नहीं करेंगे तो आप मोहन सिंह को फोन करना। शायद 3 साल के अंदर मेरे पास सबसे ज्यादा मेरे पास फोन है, मोहन सिंह जी काम नहीं करा। जैसे मोदी 2014 के बाद मैंने छात्र संसदाओं से संन्यास ले लेता कि अब मैं बहुत होगी 10 साल राजनीति कर ली, अब अपन को भी कुछ करना है, अपन की जिंदगी और भी स्टेट में खाना है। लेकिन मैंने देखा 2022 के अंदर एक सामान्य परिवार से भाई, अब जिस मुद्दे पर बात करिए, सामान्य परिवार से भाई मोदी से मेरे जैसे सिटी बस में बैठ के 10 रुपया किराया देकर कॉलेज में जाकर आम स्टूडेंट गांव से आने वालों की हेल्प करके पढ़ाई करके 3 साल बंदे ने मेहनत की। मैं फेसबुक पे देख रहा था बंदे ने कोई मेहनत की कमी नहीं की, चलो उसके भाग्य में टिकट नहीं लगा रहा था, लेकिन ये जो 36 करोड़ के लोग बैठे हैं ये आज ये कह रहे इनकी लोग देख रही, मुझे विश्वास हो गया कि मोती सिंह 57 साल के इतिहास में आपने तोड़ा था, जो 57 साल का इतिहास आपने तोड़ा था इस बार वापस तोड़ने जा रहे हैं। आपको मोती सिंह बन गए चुनाव के 11 दिन रहे, 11 दिन आपको मोती सिंह बनना पड़ेगा। मोती सिंह अकेला, कोई कहता मोती सिंह के साथ सीनियर नहीं है, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा आप सीनियर मोती सिंह के साथ है। मैं आपको नाम बनाना शुरू कर दिया, जितने छात्र संघ के चुनाव लड़े मैं आपको टोटल गिनती करूं, सबसे ज्यादा सीनियर भी मोती सिंह के साथ करें। लेकिन इससे पीछे कोई अपने फैमिली में कोई कार्यकाल से नहीं आ सका, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई अपने जॉब में है, कोई नौकरी में है, लेकिन सबका सहयोग है, सब मोती सिंह से पूरा सहयोग है, मोती सिंह को सब सहयोग कर रहे हैं, जहां भी लोग हैं उनको कह रहे हैं कि मोती सिंह बहे। और रही बात मोती सिंह के सीनियरी, सब मोती सिंह के साथ में, मैं आज खुद कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं पिछले 5 दिन से मोती सिंह के साथ फोन पे पूरी मेरी बात हो रही है, किस होटल में जाना है, कौन से होटल किस विद्यार्थी से मिलना है, पूरा मैनेजमेंट पूरा सिस्टम चाहिए। अब आपको करना क्या होगा, चुनाव कोई बातों से नहीं लड़े जाते, चुनाव लड़ने के लिए अपन को मोती सिंह बनना पड़ेगा। 12,000 शायद इस बार MPM यूनिवर्सिटी जो अलग हो गई है, अब 12,000 स्टूडेंट रहे, शायद यहां 1,000 लोग बैठे, 1,001 विद्यार्थी 12,000 से यदि संपर्क कर ले तो 12,000 ये विद्यार्थी आगे है कि 12,000 ये भाई, एक अपन 1,000 लोग यहां बैठे हैं, एक विद्यार्थी 12 जनों को संपर्क करना, दिन में एक को, अभी 11 दिन पड़े। अपन को बातों से भाषणों से चुनाव नहीं लड़ना है, अपन को धरातल पर काम करके चुनाव लड़ना है, अपन को 37 कौम के लोगों के साथ लेकर काम करना है। भाई चुनाव आजकल चुनाव किस ओर जा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था करूंगा मैं, आप भाई मोती सिंह को अध्यक्ष बना दो, मुझे वापस 1 साल यूनिवर्सिटी में और देना पड़ेगा। यदि भाई मोती सिंह को आप अध्यक्ष बना देना, आपके घर बैठे जो डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई करना पड़ता ना, वो आप ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हो और आपके डाक के माध्यम से घर पे आ जाएगा। 2015 के अंदर भाई छात्र संघ अध्यक्ष आनंद सिंह बने थे, उस समय भले आप किसी को पूछ लेना, विश्वविद्यालय इतिहास में पहली बार डॉक्टर RP सिंह जी और वाइस चांसलर थे, शायद वो अपना उनका दत्तक पुत्र, मुझे वो दत्तक पुत्र मानते थे, और उनके कार्यकाल के अंदर देखो सिस्टम से अपन लड़ भी सकते हैं लेकिन सिस्टम को अपन भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा, नजदीक जाना ही पड़ेगा ना। उनको मैंने समझाया, लेकिन यहाँ गांव के लोग आते हैं, गांव के स्कूलों में टीचर नहीं है, परसेंट कम बढ़ते हैं,
शहर के स्कूलों में टीचर ज्यादा है, यहाँ पर्सेंट ज्यादा बनते, तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो मैंने कहा आप किसी जी सर आप एक ऐसा सिस्टम निकालो सबको एडमिशन मिले। 2015-16-17 शायद 3 साल तक सबको एडमिशन मिले थे, जब आरपीसी 22 साल तक थे सबको एडमिशन मिले थे। जो पुराने हैं आपके कोई भाई पढ़ते थे 2015-16-17 उनको आप पूछ देना बीए फर्स्ट ईयर के अंदर। रही बात और इंच की मुद्दों की किताई कला संकाय, कला संकाय पहले ओल्ड कैंपस हुआ करता था और ओल्ड कैंपस में न्यू कैंपस शिफ्ट हो रहा था तो आपका भाई जेल गया था। पीके शर्मा रजिस्ट्रार था, अमित शाह जो आपके उम्र के उत्तर मंडल के थाना अधिकारी अमित जी शाह वो पहले शासन के थाना अधिकारी हुआ करते, मुझे ये तक याद है। और मैं जेल गया और कला संकाय को मैं ओल्ड कैंपस में रखा था लेकिन कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा उत्तर ले जा रहा था। आज शायद कला संकाय मेरे साथ है वहां जंगलों में। पीछे वाला गेट खुलाने के लिए मोदी सिंह आपका पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि मोदी सिंह की बात होगी ये मुद्दे पर उनका चुनाव लड़े। शायद आज नेताजी विद्यार्थी और विकलांग विद्यार्थी यहां नहीं होंगे, होंगे तो आप उससे पूछ लेना, उनकी सेवा मैंने की है। राइटिंग की है मैंने, राइटिंग काम किया मेरा काम बोलता है। न्यू कैंपस में माहौल अराजकता का बना हुआ है, आम विद्यार्थी जा ही नहीं सकता, ये आज आपको पता है। यदि सामान्य विद्यार्थी टेबल लेके मुझे वहां न्यू कैंपस जाना, आप नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति वहां बनी गई। वहां कुछ लोग जाति विशेष के लोग अपना अड्डा बना सके, वो भी अपन को भाई सामान्य कोई भी विद्यार्थी किसी कौम का विद्यार्थी पढ़ सकता है, लोकतंत्र है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये लोकतंत्र इसलिए बनाया सभी को हक मिल सके, सबको समान अधिकार मिल सके। लोकतंत्र की विशेषता है सभी जाति के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिल सके, सभी बोल सकते। भाई कोई कह रहे मोती सिंह चुनाव क्यों लड़ा है, मोती सिंह को 1947 भारत देश आजाद हुआ, भारत का संविधान बना, उस संविधान के तहत मोती सिंह चुनाव लड़ा है, इससे स्वतंत्रता का अधिकार है।